तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का जेईई एडवांस एग्जाम आ रहा है और इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। हम लोग आज ये वीडियो पे कैपेसिटर के रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये जेईई एडवांस 2015 पे ये क्वेश्चन आया था। पहले क्वेश्चन क्या आया था उसको एनालिसिस कर लेते हैं। और क्वेश्चन जैसे ही मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप खुद ट्राई करो कि सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए। अब सॉल्व कर लेते हो तो सही है, और देखना जरूरी नहीं है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, ठीक है। तो पहले मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेने दो। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका सरफेस एरिया एस है और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया, ये दोनों प्लेट के अंदर, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया। और जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया उसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, एक का है 2, ठीक है, एप्सिलॉन 2 है, एप्सिलॉन 2 है 4, रिलेटिव परमिटिविटी 4। लेकिन जो जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, आप ये डायग्राम से देख सकते हो, ये s by 2 मतलब ये सरफेस एरिया का आधा एरिया कवर कर रहा है, और ये जो दो प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है d, ये d by 2 कवर कर रहा है। कितना कवर कर रहा है, d by 2 यहां तक कवर कर रहा है, और नीचे कितना डेप्थ तक कर रहा है, s by 2 एरिया तक कर रहा है। जो कौन सा डाइलेक्ट्रिक, जो डाइलेक्ट्रिक का परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, रिलेटिव परमिटिविटी आप ये भी लिख सकते हो, ये k है आपका, ठीक है, क्योंकि k इक्वल टू आपका एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0 हो जाता है, व्हिच इज योर रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो ये हो गया इसका परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ये पोर्शन का हो गया 4, और बाकी जितना पोर्शन है उसका हो गया आपका रिलेटिव परमिटिविटी 2। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये जो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था ये दो प्लेट के अंदर, तो उसका कैपेसिटेंस कितना था, C1 था। ये डाइलेक्ट्रिक, दोनों डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस कितना बन गया, C2 बन गया। फाइंड द रेशियो C2/C1। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। दो पैरेलल प्लेट था, S सरफेस एरिया था उसका, दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस था d, ठीक है, दो डाइलेक्ट्रिक्स इसके अंदर इंसर्ट किया गया, एक डाइलेक्ट्रिक को ऐसा रखा गया जिसका डाइलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी जिसका 4 है, उस डाइलेक्ट्रिक को ऐसे रखा गया, उसका जो वो जो कवर कर रहा है d by 2 कवर करेगा और एरिया s by 2 कवर करेगा, बाकी जितना भी कंप्लीटली फिल्ड है, कोई स्पेस नहीं है, बाकी जितना स्पेस बचता है दो प्लेट के बीच में वो epsilon रिलेटिव परमिटिविटी 2 वाले डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया गया, ठीक है। अभी C1 क्या है, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब का कैपेसिटेंस, दैट मींस आपका C1 हो गया epsilon0 a by d, ये होता है कैपेसिटेंस, एयर इन बिटवीन, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये हो गया कैपेसिटेंस आपका। जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया तब हो गया कैपेसिटेंस C2। आपको फाइंड आउट करना है रेशियो, ठीक है, अभी वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। आई हैव क्वेश्चन में दो बार एक्सप्लेन कर दिया, चलो ठीक है। अब क्या करो, जिसका नहीं हो रहा है अभी, ये सॉल्यूशन देखो कि कैसे कर सकते हैं। मैं पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं, क्योंकि देखो सॉल्व तो कर देंगे हम, सॉल्व करने से बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो ये कॉन्सेप्ट आप पूरा माइंड में रखो। अभी ये आ गया मतलब यही आएगा नेक्स्ट जे एडवांस में, ऐसे बात नहीं है। जे एडवांस में आप क्वेश्चन हमेशा उल्टा चेंज करता रहता है, कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं करता है, बोर्ड में रिपीट कर देता है, नीट में भी कभी रिपीट करता है, लेकिन जे एडवांस में ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन कैपेसिटर का ये जो कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है, डायग्राम चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं फुल्ली, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, सपोज डी है उसका विड्थ, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन जाता है डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट होता है, तो के एप्सिलॉन0 ए बाई डी हो जाता है। एप्सिलॉन0 ए बाई डी तो ऐसा होता है,
ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, नहीं तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिख सकते हो, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी लिख सकते हो, ER भी लिख सकते हो, जो हमें ER epsilon naught A by D ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया कैपेसिटेंस। जब एक डायलैक्ट्रिक लगाए, जब डायलैक्ट्रिक मल्टीपल पार्ट्स करके लगाएंगे तो क्या होगा, सपोज इसके अंदर मैं आधा माइका लगाया, आधा डायलैक्ट्रिक ग्लास का लगाया, ऐसे करके लगाया, मतलब D by 2 माइका लगाया जिसका, और इसका D by 2 दूसरा कुछ लगा दिया डायलैक्ट्रिक, तो दोनों डायलैक्ट्रिक देखो ऐसे करके कट होगा, कट ऐसे करके होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये एक दो कैपेसिटर आप इमेजिन कर सकते हो, ये एक प्लेट ऑफ अलग सा कैपेसिटर, ये एक अलग सा कैपेसिटर, इसको C1 C2 मान लो, और ये दोनों सीरीज में लगा हुआ जैसे लग रहा है हमें, इसको हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे C1, और दोनों सरफेस एरिया सेम सरफेस एरिया कवर कर रहे हैं, ए पूरा सरफेस एरिया कवर कर रहा है, तो ये दोनों सीरीज में जैसा लग रहा है हमें, ये एक कैपेसिटर हो गया डी बाई टू तक, ये डी बाई टू तक, तो इसका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा सी, तो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1/C होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं सी इक्वल टू C1C2/C1+C2, ये हो जाएगा, ठीक है। और C1 निकालना चाहते हो तो C1 क्या बनेगा, इधर C1 बनेगा तुम्हारा, ये एरिया पूरा ले रहा है, तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट उसका लेट से क्या है K1 हो गया, ये K2 हो गया, तो K1 होने से इसका क्या हो जाएगा, C1 तुम्हारा हो जाएगा K1 epsilon naught A by D, कितना है D by 2, एरिया सेम एरिया रह रहा है, D टर चेंज हो रहा है, D इज चेंजिंग, D by 2 हो रहा है, ठीक है, इस कंडीशन में, ठीक है। अभी कंडीशन दूसरा बन जाएगा, तो दूसरा मतलब ये हो गया तुम्हारा पैरेलल प्लेट, सपोज ऐसा करके ये तुम्हारा प्लेट हो गया, डाइलेक्ट्रिक को ऐसे रखा गया, आधा डाइलेक्ट्रिक ऐसा, आधा डाइलेक्ट्रिक ऐसा, इसका K1 K2, तो ये दोनों देखो ये कितना एरिया ले रहा है, ये एरिया लेट से A/2 ले रहा है, ये एरिया A/2 ले रहा है, इधर भी एरिया A/2 लेगा, ये एरिया A/2 ले लेगा, ठीक है, ये कवर कर रहा है, तो ये एक कैपेसिटर लाइन खींच लो, ऐसा लग रहा है कि एक कैपेसिटर ये दूसरा कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन, जो रिजल्ट आएगा इसका रिजल्ट भी वही आएगा, ठीक है। तो इस केस पे पैरेलल का क्या होता है ना, सी लेट्स से सी इक्वल टू C1+C2 बन जाता है, और C1 क्या होगा इस केस पे आपका, C1 क्या हो जाएगा ना K1, ठीक है, K1 epsilon naught A क्या हो गया, A इधर A नहीं है, A हो गया A/2, और D कितना है, D सेम है, इधर D सेम है, ये दोनों के लिए D है, इसके लिए भी D है, तो ये D हो गया। ये दो केस को याद रखो, तीसरा केस क्या हो सकता है, इसको उल्टा कर सकते हो, लेकिन सेम डायग्राम है, जस्ट इमेजिनेशन चेंज करना है, इमेजिनेशन चेंज करना मतलब प्लेट को ऐसे घुमा दिया, और इधर आपको ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ये हो गया प्लेट, ये हो गया प्लेट, ये डायलैक्ट्रिक एक रखा गया और ये डायलैक्ट्रिक रखा गया, तो दिस केस एंड दिस केस आर सेम बेसिकली, और ये केस को उल्टा करके मैं घुमा दूं तो प्लेट ऐसे हो गया, ये हो गया तुम्हारा प्लेट, ये हो गया प्लेट, और इसके अंदर मैं ऐसे करके कैपेसिटर रख दूं, ऐसे करके डायलैक्ट्रिक रख दूं, तो ये केस और ये केस सेम हो गया, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, क्लियर है। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है, ये दो कॉन्सेप्ट इधर हम यूज कर लेंगे, अभी ये दोनों के बाद तो और सॉल्यूशन मुझे नहीं करना पड़ना चाहिए, ठीक है, आई शुडंट डू द सॉल्यूशन, ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, देखो फटाफट कर लेते हैं, अभी फटाफट कर लेते हैं सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन क्या होगा, ये पार्ट देखो, हम इधर एक लाइन खींच देते हैं, इधर लाइन खींच देते हैं, लाइन खींच देने से क्या होगा, ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, दोनों S/2 और S/2 एरिया कवर कर रहे हैं, और दोनों ऐसे करके हैं, तो ये वाले केस होगा, तो ये अपर हाफ दोनों सीरीज में लगा हुआ है, और ये पूरा अपर हाफ लोअर हाफ के साथ पैरेलल लगा हुआ है, तो मैं इसको डायग्राम एक बना दूं, उसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं, तो ये कैपेसिटेंस दोनों लेट से इसको मैं C1 नेम कर दूं, इसको C2 कर दूं, और इसको C3 कर दूं, तो मेरा C1 और C2 सीरीज में लगा हुआ है,
और ये दोनों C3 के साथ पैरेलल कनेक्शन है। ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसका डायग्राम को हम ऐसे कर सकते हैं। तो मेरा C1 क्या बनेगा, इधर मेरा C1 क्या बन रहा है देख लो, मेरा C1 ये बन रहा है, ठीक है, काफी स्वेटिंग है, ठीक है, गर्मी है, तो मेरा C1 क्या बन रहा है इधर देख लो। तो C1 के अंदर मेरा डाइलेक्ट्रिक क्या है, E1 चल रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी K1, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो E1 और K1 सेम है, E1 एप्सिलॉन नॉट A, एरिया कितना ले रहा है, S/2 ले रहा है, ठीक है, ये एरिया कितना ले रहा है, S/2 ले रहा है, S/2, और तुम्हारा D कितना ले रहा है, D/2 ले रहा है। तो ये मेरा C1 हो गया। तो C1 कितना हो गया, और जो ओरिजिनल था मैं उसको C0 ले लेता, ठीक है, इस C' कर देता हूँ बेटर, तो ओरिजिनल को मैं C1 रखा हूँ ना, तो इसको C' कर देता हूँ, ये C' है मेरा, ये C" है, और ये C" है, ऐसे कर दो बेटर है, तो C' C" और ये C" ठीक है, 1 2 3 नहीं करते क्योंकि 1 2 3 ऑलरेडी ले चुके हैं। तो C' क्या हो जाएगा मेरा, ये पोर्शन का क्या हो गया, C1, तो इसको हम लिख देंगे E1 कितना है मेरा, 2, ये 2 एप्सिलॉन नॉट, और S/2 D/2 हो गया, ये 2/2, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा ना, 2 S/2, तो ये 2 2 कट गया, तो 2, तो ये मेरा बन गया S/D, एप्सा S/D मेरा C1 है, जो डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब था E0A, एप्सिलॉन नॉट एरिया मेरा S है, एप्सिलॉन नॉट S/D मेरा C1 था, जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं था अंदर, तो एप्सिलॉन नॉट S/D, तो मेरा ये हो गया 2 और ये हो गया C1, तो C' ये पार्ट का मेरा कैपेसिटेंस हो गया C2 C1, और C" क्या हो जाएगा, ये पोर्शन का मेरा परमिटिविटी 2 है, परमिटिविटी E2 है, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी E2 एप्सिलॉन नॉट सेम S/2 बाय D/2, 2 2 कैंसिल, तो मेरा बन जाएगा ये परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी 4 है ये पोर्शन के लिए, और एप्सिलॉन नॉट S/D, एप्सिलॉन नॉट S/D क्या है मेरा C1, तो ये पोर्शन का हो गया 4C1, ये 4C1, ये C1 हो गया, और नीचे वाले क्या है, नीचे वाला कुछ भी नहीं है, एक ही ओनली एप्सिलॉन है, रिलेटिव परमिटिविटी 2 वाला पूरा फुल है, d डेप्थ d विड्थ का, ठीक है, पूरा d जो डिस्टेंस है ये पूरा फुल है रिलेटिव परमिटिविटी 2 के साथ। तो C" क्या हो जाएगा, ये पोर्शन का हो जाएगा मेरा एप्सिलॉन 1 हो जाएगा, इधर एप्सिलॉन 1 है ना, ये पोर्शन पे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट S/2, ये कितना एरिया कवर कर रहा है, S/2 ये ले लिया, तो ये भी S/2 होगा, लेकिन d कितना ले रहा है, नॉट D/2, फुल d, ठीक है, तो क्या बन जा रहा है, ये 2 नीचे आएगा, ये 2 है, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, 2 ये एप्सिलॉन 1 2 है ना, तो 2 एप्सिलॉन नॉट S/2 2 2 कैंसिल बाय d, तो ये हो गया C" इज एग्जैक्टली इक्वल टू C1 हो गया, ठीक है, मतलब कोई भी डायलेक्ट्रिक जब नहीं था, जिस जो वैल्यू था और C" का वैल्यू सेम है। अब क्या है ना, ये दोनों सीरीज है, तो सीरीज में तो पर सीरीज है और इसके साथ पैरेलल है, ठीक है, तो पहले ये दोनों का सीरीज निकाल देते हैं, ये ऊपर दो पोर्शन का सीरीज निकाल देते हैं, तो सीरीज के लिए क्या होता है, C C" सीरीज, तो सी इक्वल टू क्या होता है, C C" बाय, मैं नहीं लिख रहा हूं, 1/C equivalent = 1/C1 + 1/C2, फिर ऊपर चला जाएगा C1 C2 / C1 + C2, ये सी इक्वलेंट चला जाएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो C1 C2 / C' + C" तो कितना हो रहा है, C' कितना, 2C1 × 4C1 / C' 2C1 + 4C1, कितना हो रहा है, ये 8C1² / 6C1, तो ये C1 C1² कट गया, ठीक है, तो ये बन रहा है मेरा, इसको तुम छोटा कर सकते हो 3, तो ये हो गया 4/3C1,
4/3 C1 किसका अपर पार्ट बना, ये दोनों का मिलके, इसके साथ ये सी ट्रिपल डैश पैरेलल है तो ऐड कर देंगे, तो सी टोटल सी इक्विवेलेंट कितना बन जा रहा है, सी इक्विवेलेंट और इसको बोल रहे हम सी टू, टोटल सी टू, ठीक है, सी टू बन रहा है मेरा सी, ये सी इक्विवेलेंट था पैरेलल का, तो सी इक्विवेलेंट प्लस सी ट्रिपल डैश, तो क्या निकल रहा है, सी इक्विवेलेंट मेरा हो गया 4/3 C1 और इसका हो गया प्लस सी वन, तो एलसीएम हो गया 3 4C1 + 3C1, तो ये हो गया 7, ये हो गया मेरा 7C1/3, तो सी टू हो गया मेरा 7C1/3, ठीक है, और सी वन कोई भी जब नहीं था, सी वन था ये वाला और C2 ये हो गया, तो C2/C1 क्या होगा रेशियो, फाइंड रेशियो C2/C1 था, तो रेशियो C2/C1 क्या हो जाएगा, C2/C1, ठीक है, C2/C1 क्या हो जाएगा, ये 7C1/3/C1 कैंसिल, सो 7/3 आंसर, कुछ कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, तो ये हम पैरेलल और सीरीज वाले जो कैपेसिटर है उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को पार्ट पार्ट करके रखते हैं, किससे कैसे करते हैं, ये प्रोसीड्योर हमें फॉलो करते हैं, ठीक है, आई होप दिस प्रोसीड्योर इज क्लियर, ये प्रोसीड्योर से कोई बार क्वेश्चन आते हैं, जेई मेंस में भी आते हैं, नीट में भी आ जाते हैं, कभी कभार बोर्ड में भी आ जाते हैं, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, तो जेई एडवांस में ये 2015 का क्वेश्चन था, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई एडवांस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।